हेलो बच्चों, इस वीडियो में भी बाकी वीडियोस की तरह लास्ट में एक पजल है। सॉल्व कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए उसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए आज अब पढ़ाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर तक मैंने आपको एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्राइंगल्स के चैप्टर में पैरेललोग्राम का एरिया बताया था और कुछ डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी बताए थे। तो आज हम लोग देखते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, देखो तो ये भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट का यूज करके आएगा कि टू पैरेलल्स के बीच जैसे दो पैरेललोग्राम्स होते थे तो उनका एरिया क्या होता था, इक्वल होता था। तो यहां पे एक थ्योरम होता है, वो थ्योरम कहता है कि टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस और इक्वल बेसिस आर या फिर एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स आर इक्वल इन एरिया। ठीक है, ये थ्योरम है कि अगर दो ट्राइंगल है जिसका बेस सेम हो या फिर तो इक्वल लेंथ का बेस हो और अगर टू पैरेलल लाइंस के बीच हो तो उनका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो आपको एग्जांपल के लिए इसका डायग्राम देखना है तो इसका डायग्राम देखो कैसा दिखेगा। इसका डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, ये लाइन है, टू पैरेलल लाइंस है। अगर मैंने बीसी बेस के साथ ही एक ट्राइंगल ये बनाया और बीसी बेस के साथ ही एक ट्राइंगल ये बनाया तो दोनों का एरिया क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। जैसे यहाँ पे ए सी बी, इधर बी और ये कुछ भी ले लो डी क्यू ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखो गिवन क्या है, गिवन है टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड पी बी सी ऑन द सेम बेस बी सी एंड बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन्स बी सी एंड ए पी। ठीक है, ऐसा है तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विल बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी। ये चीज़ आपको प्रूव करना है कि ए बी सी का एरिया पी बी सी के एरिया के इक्वल हो। अब देख लो ए बी सी ये ट्राइंगल है और पी बी सी ये वाला ट्राइंगल है, तो ये येलो और ग्रीन कलर का जो ट्राइंगल है इन दोनों का एरिया इक्वल होने वाला है। इस चीज़ को कैसे प्रूव करेंगे, तो यहाँ पे मैंने पूरा जो डायग्राम बनाया था इसमें हम लोग एक काम कर सकते हैं कि बी से डायग्राम थोड़ा सा छुप सा गया है तो एक मिनट इस डायग्राम को मैं बाहर निकालता हूँ। देखो यहाँ डायग्राम बन गया। अब क्या करेंगे इसमें कि बी से बी डी, ये डी मैंने लिया था, एक्चुअली ये बी डी पैरेलल टू मैंने ले लिया, ये डी पॉइंट को थोड़ा सा खिसका देते हैं इधर कि ये डी इधर है, तो बी डी हम लोगों ने पैरेलल ले लिया और बी डी पैरेलल टू सी पी भी ले सकते हैं या बी डी पैरेलल टू सी ए भी ले सकते हैं, चलो यही रहने देते हैं कि बी डी पैरेलल टू सी ए ले लिया। ठीक है, उसी प्रकार हम लोगों ने एक और काम किया, सी क्यू पैरेलल टू सी क्यू जो वहाँ पे पॉइंट लिया था वो सी क्यू पैरेलल टू बी पी ले लिया। अब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है, जो कि पी ए को क्यू पे कट कर रहा है और बी डी जो लिया था वो पी ए को ही डी पे कट कर रहा था, उसको एक्सटेंड करने के बाद आ रहा था। तो मैं यहां पे लिखता हूं कंस्ट्रक्शन,
तो कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, थ्रू बी ड्रॉ बी डी पैरेलल टू सी ए इंटरसेक्टिंग ए पी प्रोड्यूस्ड इन डी एंड थ्रू सी ड्रॉ सी क्यू पैरेलल टू बी पी इंटरसेक्टिंग पी ए प्रोड्यूस्ड इन क्यू। अब देखो तो प्रूफ के बारे में अब लिखता हूं कि कैसे प्रूव करेंगे इसे। तो जैसे कि अपने को पता है कि बी डी इज पैरेलल टू सी ए और बी सी इज पैरेलल टू डी ए। तो अब बताओ बी सी ए डी, बी सी ए डी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया ना, क्योंकि ए पी ऑलरेडी पैरेलल था किसके, बी सी के। तो देखो अब इन मैं बी सी ए डी बोल सकता हूँ, बी सी इज पैरेलल टू, बी सी इज पैरेलल टू ए डी एंड बी डी इज पैरेलल टू ए सी। तो दो अपोजिट के वो पैरेलल है, तो वो क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया, है कि नहीं। तो मैं लिख सकता हूँ बी सी ए डी इज अ पैरेललोग्राम, सिमिलरली बस यही कॉन्सेप्ट का यूज करके। और मैं क्या लिख सकता हूं, दूसरा कौन सा था, बी सी क्यू पी, बी सी क्यू पी इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम, है कि नहीं, ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया, समझ रहे। अब तो अब देखो ध्यान से ये दोनों को, तो दोनों सेम बेस बी सी के साथ है और टू पैरेलल के बीच है, तो बी सी ए डी का एरिया बी सी क्यू पी के एरिया के इक्वल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी सी ए डी एंड बी सी क्यू पी आर बिटवीन टू पैरेलल्स एंड विद सेम बेस। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी क्यू पी, बी सी क्यू बी लिख दिया मैंने, एक्चुअली बी सी क्यू पी होगा ना, बी सी क्यू पी बोल से जल्दी जल्दी में हो गया, बी सी ए डी तो सही है ना, हाँ बी सी ए डी सही है, बी सी क्यू पी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बी सी ए डी, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो बी सी ए डी के लिए ए बी तो उसका क्या हो गया, बी सी ए डी के लिए ए बी क्या हो गया, उसका डायगोनल हो गया। बी सी ए डी में देखो ए बी क्या हो गया, डायगोनल हो गया। और उसी प्रकार बी सी क्यू पी के लिए पी सी क्या हो गया, उसका डायगोनल हो गया। तो आपको याद होगा पैरेललोग्राम को जो डायगोनल होता है वो टू इक्वल एरिया के ट्रायंगल में कट कर सकता है, करता है। तो मैं बी सी क्यू पी को टू इंटू, अब बी सी क्यू पी को देखो, बी सी क्यू पी को टू इंटू एरिया ऑफ पी बी सी बोलो, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्या बोलूँगा, टू इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल पी बी सी, क्योंकि डायगोनल आ रहा था उसका। और बी सी ए डी की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, टू इंटू एरिया ऑफ ए सी ए बी सी बोलेंगे ना, क्योंकि डायगोनल उसको कट किया है, टू इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। टू टू खत्म हुआ, क्या बचा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या ये थ्योरम प्रूव हो गया, बिल्कुल हो गया। तो मतलब ये भी मैं आगे यूज करूंगा आगे बहुत सारे क्वेश्चंस में, कि अगर टू ऐसे ट्राइंगल्स होते हैं जिसका बेस सेम होता है और बिटवीन टू पैरेलल्स होता है तो दोनों का एरिया क्या होता है, सेम होता है या फिर इक्वल होता है। आपको ये याद रखना है, कई बार काम आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग एक और थ्योरम देखते हैं। अगला थ्योरम है वो थ्योरम कहता है कि एरिया ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ द प्रोडक्ट, इज हाफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स हाइट एंड द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। अब ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये फॉर्मूला आया किधर से।
तो देखो थोड़ा डायग्राम से देखते हैं कि एक ट्रेपेजियम ए बी सी डी है, ए बी सी डी ट्रेपेजियम ले लिया, ए बी सी डी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो मैं लिखूंगा गिवन क्या है, ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ठीक है। तो अब क्या करता हूं मैं, यहां से कुछ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करता हूं, परपेंडिकुलर्स कुछ कंस्ट्रक्शन जो क्या करने वाला है वो मैं आपको बता देता हूं कि ए सी को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। और अब हाइट की बात हो रही है तो हाइट क्या हो जाएगा उसका, जो दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वही तो हाइट होगा, तो वो एच ले लिया और लाइन को ए एल बोल दिया, या फिर एच इधर भी हो सकता है कि नहीं, इसको एन बोल देता हूँ, और ये भी हाइट क्या हो जाएगा, एच ही हो जाएगा। ओके आगे बढ़ते हैं, तो ये गिवन था अपने पास, और साथ में मैंने क्या ले लिया, गिवन में ही ए एल इज परपेंडिकुलर टू डी सी या फिर सी एन इज परपेंडिकुलर टू ए बी, तो ए एल क्या हो जाएगा, सी एन के बराबर हो जाएगा, जिसे मैंने एच ले लिया, ठीक है। इतना तक ठीक है, या फिर अब आपको ज़्यादा अपने को लिखना ना पड़े तो ए बी का लेंथ भी ए ले लेता हूँ और सी डी का लेंथ भी बी ले लेता हूँ, तो ये भी लिख देता हूँ, ए बी इज ए एंड डी सी इज बी, ये लेंथ ले लिया। अब प्रूव क्या करना है, यहीं पे अब प्रूव करना है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी, ये अपने को प्रूव करना है और ये आपको याद भी रखना है, वैसे याद होगा मैं उम्मीद करता हूँ। तो अब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कुछ खास है नहीं, अब ए एल एन सी को तो हम लोगों ने वही दिखा दिया, कंस्ट्रक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा ए सी को दिखा सकते हैं कि ज्वाइन ए सी, कंस्ट्रक्शन में हम लिख सकते हैं क्या, ज्वाइन ए सी, ए सी को ज्वाइन किया। अब आते हैं प्रूफ पे, बहुत सिंपल सा प्रूफ है इसका, देखो ध्यान से प्रूफ। अब ए सी जो है वो क्या है, ए बी सी डी का डायगोनल है ना, तो मैं लिखता हूं ए सी इज डायगोनल ऑफ, ए सी इज डायगोनल ऑफ ए बी सी डी। अब देखो एरिया ऑफ ए बी सी डी क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, ए बी सी डी क्या, ए बी सी दो अलग अलग ट्राइंगल का एरिया, ए बी सी का एरिया प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी हो जाएगा, ए सी डी या ए डी सी कुछ भी लिखो। अब ए बी सी का एरिया क्या होगा, देखो ध्यान से, ए बी सी का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू बेस इज ए, हाइट इज एच, और ए सी डी का देखो, ए सी डी के लिए बेस क्या हो गया, सी डी, उसके लिए बेस क्या हो गया, डी सी डी या फिर डी सी इंटू हाइट, उसका क्या हो गया, ए एल, है कि नहीं। तो चलो यहाँ तो पहले लिख दिया था हाफ ए इंटू एच प्लस हाफ इंटू डी सी का एरिया, डी सी का लेंथ क्या था, बी, एज्यूम क्या था, और ए एल तो हाइट था एच, तो दोनों में एच है, हाफ इंटू एच दोनों में है, कॉमन एरिया क्या बचा, ए प्लस बी। बहुत सिंपल सा था लेकिन ये अपने सिलेबस में है प्रूव करना, तो आप याद रखो कैसे प्रूव करते हैं, क्योंकि ये थियोरम है और आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, एक और थ्योरम है जो मैं नहीं प्रूव करूंगा, मैं चाहता हूं आप लोग उसे प्रूव करो क्योंकि वो बहुत आसान है। वो थ्योरम कहता है कि मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइड्स इट इंटू टू ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरिया, मतलब कि एक ट्रायंगल का जो मीडियन होता है वो उसे दो इक्वल एरिया के ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये आपको प्रूव करना है, मैं डायग्राम से बता देता हूँ। जैसे कि ये मीडियन मतलब क्या होता है, जो उसको किसी साइड को दो बराबर लेंथ में कट करे, जैसे ए डी हुआ तो बी डी, ए डी एक मीडियन है तो बी डी बराबर सी डी होगा। तो आपको प्रूव करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी अगर बी डी और डी सी बराबर है तो, ठीक है। ये थ्योरम है, ये आपको याद भी रखना है कि ऐसा होता ही है, और इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये होमवर्क है, ये थ्योरम आप बताइए कैसे प्रूव किया जा सकता है, ट्राई कीजिए, देखते हैं कौन कर पाता है।
तो अब आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जाम्पल करते हैं इस पे बेस्ड, इन सारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एक दो एग्जाम्पल मैं कराता हूँ। तो पहला एग्जाम्पल है अभी जो मैंने मीडियन का ही बताया उस पे ही कराता हूँ कि इन फिगर ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन एडी ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी ई। ये आपको शो करना है कि ये दोनों का एरिया बराबर होगा। डायग्राम कैसा है वो देखो, डायग्राम कुछ ऐसा है, ए बी सी डी, अब ए डी मीडियन था मतलब बी डी डी सी इक्वल है, और क्या था ई इज एनी पॉइंट ऑन मीडियन ए डी, तो ई एक पॉइंट है इधर, ए बी ई का एरिया, ए बी ई का एरिया ए सी ई के इक्वल है। अब कौन कौन सा एरिया की बात हो रही है, ये वाला एरिया, समझ रहे हो ना, ये जो रेड कलर से मैंने पूरा कर दिया, ये वाला एरिया विल बी इक्वल्स टू कौन सा एरिया, ये येलो वाला एरिया, येलो वाला एरिया कौन सा है, ये वाला एरिया। तो रेड एरिया येलो एरिया के इक्वल होगा, आपको ये प्रूव करना है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। चलो मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूं। देखो आप यहां पे क्या कर सकते हो, ए से एक ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, नाम दे दो कुछ, एल दे दिया, ठीक है, और ई से भी एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया जिसको नाम दे देता हूँ एम, एल एम, ठीक है। तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या होगा, ए बी डी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बी डी इंटू एल होगा, है ना, बिल्कुल सही बात है। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, ये तो मैंने प्रूव ही कर दिया आपको, ये क्या होगा, हाफ इंटू डी सी, उसका बेस है, हाइट कितना है उसका भी, ए एल है, तो ध्यान से देखो, तो ए बी डी और ए डी सी का एरिया तो यहीं से बराबर ही देखिए, क्योंकि बी डी और डी सी तो इक्वल ही है। तो मैंने आपको ये थियोरम प्रूव करके दिखाई दिया, आपको बस अच्छे से लिख के लाना है। तो ये दोनों एरिया मैंने लिख दिया, क्यों ऐसा क्यों हुआ, ये दोनों तो इक्वल था, तो ऐसा क्यों, वैसे भी थियोरम भी पढ़ा था तो आप वो सीधे ही मैं लिख सकता था। आगे बढ़ते हैं, अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ, यहां से पता चला, चलो लिख देता हूं, एरिया ऑफ ए बी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, इसे अपने पास एक रिलेशन रख लेते हैं। अब एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी क्या होगा, ई बी डी, ई बी डी का एरिया ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इज बी डी, हाइट इसका क्या हो जाएगा, ई एम होगा ना, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी क्या होगा, ई डी सी क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इसका भी डी सी, हाइट इसका क्या है, ई एम। अब ध्यान से देखो, तो ये भी तो इक्वल ही है ना, क्योंकि यहाँ भी आप देख सकते थे बी डी डी सी के इक्वल है, इसीलिए ऐसा हो गया, यहाँ भी क्या हो गया, बी डी ई डी सी के इक्वल है, तो बी डी डी सी के इक्वल है, इधर भी ई एम हाफ हाफ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ई बी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ई डी सी हो जाएगा, है कि नहीं, इसको रिलेशन टू। अब अगर मैं वन से टू को सब्ट्रैक्ट कर दूं, अब मैं लिखता हूं सब्ट्रैक्टिंग टू फ्रॉम वन, वी गेट क्या मिलेगा, अगर टू को वन से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताओ, लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी। देखो ए बी डी के एरिया से ई बी डी घटाएंगे तो क्या लाल कलर का एरिया नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, वो कौन सा, ट्रायंगल ए बी ई, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी में से एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डी सी घटाना है, तो तो ये देखो सेकंड आर एच एस वाला क्या बन जाएगा, ए डी सी से ई डी सी घटाओगे तो ए ई सी तो बचेगा, तो रेड वाला क्या हो गया, ए बी ई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ, दूसरी तरफ कौन सा बचा, ए ई सी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई सी, यही तो प्रूव करना था, है कि नहीं, हेंस प्रूव्ड। और ये रिलेशन आपको याद भी रखना है कि ऐसा ऐसा होता है,
बिल्कुल याद रखना है इसको, कभी भूलना ही नहीं है। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात थी, आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी बी सी आर ऑन दी सेम बेस, ऑन दी सेम बेस बी सी विद ए डी ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ दी लाइन बी सी, ठीक है, सच दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी। ए बी सी का एरिया डी बी सी के इक्वल है, तो शो करना है, तो दिखाना है, शो दैट डी बी सी बाइसेक्ट्स ए डी। अब देखो इसका डायग्राम कैसा बनेगा। ए बी सी और डी बी सी सेम बेस के साथ दो ट्राइंगल हैं। क्या क्वेश्चन बोला है कि ए बी सी और डी बी सी सेम बेस बी सी के साथ दो ट्राइंगल है, जिससे कि ए एक तरफ और डी उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ए इधर और डी उसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाता है, जिससे कि ए बी सी का एरिया इज इक्वल टू डी बी सी का एरिया। अब आपको दिख रहा होगा वो दोनों, तो अपने को प्रूव करना है कि बी सी ए डी को बाइसेक्ट करेगा। अब ए डी को ज्वाइन कर देते हैं, ये रहा ए डी, है ना। अब ये पॉइंट को अगर ओ बोल दो, तो अपने को प्रूव करना है कि ओ बी इज गोइंग टू बी व्हाट, ओ डी, है ना। ओ बी ओ सॉरी ए ओ ओ डी के इक्वल होगा, ऐसा अपने को प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे देखो, तो मैं क्या करता हूं, यहां पे दो लाइन ए एल एक ले लेता हूं जो कि बी सी के परपेंडिकुलर है, और डी एम ले लेता हूं जो कि वो भी बी सी के परपेंडिकुलर है। ए एल ले लेता हूं, डी एम ले लेता हूं, ठीक है। आपको चाहिए तो लिख लो, कंस्ट्रक्शन ड्रॉ ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी एंड डी एम परपेंडिकुलर टू बी सी। अब प्रूफ देखते हैं, बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी का इक्वल है, उसको लिखते हैं। बताओ ए बी सी का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बी सी इंटू ए एल इक्वल्स टू, एरिया ऑफ डी बी सी क्या होगा, हाफ इंटू बी सी इंटू डी एम, है ना। हाफ हाफ बी सी खत्म हुआ, क्या बचा, ए एल इज इक्वल टू डी एम, है ना। अब हो चुका है, आपको बहुत लोग समझ गए होंगे। अब देखो इन ट्राइंगल्स ए एल ओ, ए एल ओ एंड ट्राइंगल कौन सा, ए एल ओ लिया है तो क्या लेंगे, डी ए एल ओ एंड डी एम ओ। क्या ए एल इक्वल टू डी एम अभी हम लोगों ने फाइंड किया था इधर से, बताओ क्या एंगल ए एल ओ इक्वल टू एंगल डी एम ओ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वो तो 90 है, और साथ में और क्या होगा, एक और एंगल इक्वल वर्टिकली अपोजिट ले क्या, ये कोई भी ले सकते हैं, एंगल ए ओ एल इक्वल टू एंगल डी ओ एम, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसको ऐसे वर्टिकली अपोजिट एंगल वी ओ ए, वी फॉर वर्टिकली, ओ फॉर अपोजिट, ए फॉर एंगल, ऐसे लिख देते हैं। तो मैथ्स में वी ओ ए का मतलब आपको आगे याद रहना चाहिए। तो अब यहाँ बाय क्या दिख रहा है, देखो एंगल एंगल साइड, है ना। तो ए ए एस लिख दूँ, बाय ए ए एस, ट्राइंगल ए एल ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एम ओ। तो कॉन्ग्रुएंट है तो सारे पार्ट इक्वल होंगे, इसीलिए मैं क्या लिख सकता हूँ, ओ ए इज इक्वल टू ओ डी, है कि नहीं, यही तो करना था। दैट इज को आई ई लिखते हैं, आई ई मतलब क्या होता है, दैट इज बी सी बाइसेक्ट्स ए डी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ये, आप ट्राई किए,
ट्राई करना, आप खुद से ट्राई करना, उसके बाद ना हो उसके बाद सॉल्यूशन देखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक और लास्ट एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ जो कि अच्छा है थोड़ा, और आपको ये रिलेशंस याद भी रखने, आप ये समझो। ए बी सी इज अ ट्राइंगल इन विच डी इज दी मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ई इज दी मिड पॉइंट ऑफ ए डी। प्रूव दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इक्वल्स टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। देखो डायग्राम के थ्रू देखें तो ए बी सी एक ट्राइंगल है, ए बी सी एक ट्राइंगल है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट है डी, ठीक है, और ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। ई अब इधर एक पॉइंट है जो ए डी का मिड पॉइंट है, मतलब तो ये और ये बराबर है, ये और ये बराबर है, ठीक है। तो अब अपने को प्रूव करना है कि बी ई डी का एरिया 1/4 ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा। तो देखो मैं करके दिखाता हूँ। गिवन क्या है, गिवन है अ ट्राइंगल ए बी सी इन विच डी इज दी मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। प्रूव क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी इज इक्वल टू 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो ध्यान से, अब इसका प्रूफ मैं बताता हूँ कैसे होगा। अब इतना तो पता है कि मीडियन दो बराबर ट्राइंगल में काटता है, तो मैं लिखूंगा बिकॉज ए डी इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी हो जाएगा, है ना। और जो कि कितना होगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा ना। अब फिर से बी ई इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ए बी डी है कि नहीं, ए बी डी का मीडियन कौन सा है, बी ई। तो यहां पे क्या होगा, अब ये भी दो बराबर ट्राइंगल में बांटेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी डी ई, या क्वेश्चन में बी सेम ही है, बट क्वेश्चन में बी ई डी था तो यहां पे बी ई डी लिख देता हूँ, वो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। बहुत सिंपल है कि नहीं। अब देखो ध्यान से, तो अब मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी क्या आ गया है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी, जो कि ऊपर से क्या दिख रहा है, यहां से ए बी डी किसके इक्वल है, हाफ ऑफ, ये भी हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। बहुत सिंपल था, क्या हो गया, 1/4 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, हेंस प्रूव्ड। ये तो प्रूव करना था है कि नहीं। तो ये बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप आराम से इस बारे में सोच सकते हो और देख सकते हो। तो आपको होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, आप इसका होमवर्क में कीजिए। इफ दी मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्ट्स एट जी शो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी बी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए जी सी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी सी इक्वल्स टू 1/3 ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। डायग्राम आपको चाहिए तो डायग्राम बना देता हूँ कि ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए से एक मीडियन जाता है ए डी, बी से एक मीडियन जाता है बी ई, और सी से एक मीडियन जाता है सी एफ, ठीक है। अब ये तीनों मिलते हैं जी पे, वैसे भी ये सच्चाई है कि तीनों मीडियन जहाँ मिलते हैं उसको मीडियन बोला जाता है, सॉरी सेंट्रोइड बोला जाता है, तीनों मीडियन जहाँ मिलते हैं उसे सेंट्रोइड बोला जाता है, और सेंट्रोइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से डिनोट करते हैं।
तो यहाँ पे ए बी जी का, ए जी बी का एरिया, आपको ए जी बी दिख रहा होगा, ए जी बी कौन सा एरिया, ये वाला ए जी बी एरिया है ना, तो यहाँ बोला है ए जी बी का एरिया विल बी इक्वल्स टू ए जी सी का, ए जी बी का एरिया, ए जी सी नहीं, हाँ ए जी बी का एरिया ए जी सी के एरिया के इक्वल है, बिल्कुल ए जी सी, ये रहा है ना, थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको ट्रायंगल, समझ जाना, और वो इक्वल होगा किसके, बी जी सी के, बी जी सी मतलब ये ब्लू वाला, समझ गए ना, ये तीनों एरिया इक्वल होगा ऐसा प्रूव करना है, वो भी 1/3 ऑफ ए बी सी, ट्राई करो देखते हो कौन कर पाता है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, एक ही क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ, अच्छे से ट्राई करो, देखो होता है या नहीं होता है। अब आज आज का पजल टाइम, आज का पजल बहुत सिंपल है, देखते हैं कमेंट बॉक्स में कौन लिख पाता है इसका आंसर, कि टेलीफोन का जो डायलिंग पैड होता है ना, टेलीफोन के डायलिंग पैड के सभी अंकों को अगर हम लोग गुना करें तो क्या अंक मिलेगा, है ना, आप गुना करके देखो क्या मिलता है, टेलीफोन के डायल पैड के सारे अंक को गुना करेंगे तो क्या अंक मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट डे मिलते हैं, बाय बाय।